सच के साथ। विधान परिषद के सदस्य अशोक धवन ने सर्किट हाउस में बुनकरों की समस्याओं को लेकर जिले के बिजली विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं, टेक्निकल इंजीनियरों आदि के साथ बैठक की। अशोक धवन ने बताया कि पूर्वांचल में कृषि के बाद अगर किसी का स्थान है तो वह है पावर लूम बुनकरों का। वाराणसी की सारी अर्थव्यवस्था इसी उद्योग पर निर्भर रहती है। सन 2006 में उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में पावर लूम लगे, इस पर तत्कालीन सरकार ने फ्लैट रेट पर बिजली देने की घोषणा कर दी थी। 2019 दिसंबर में सरकार ने इस पर कुछ संशोधन किया। इस पर कुछ समस्याएं और इसको लेकर हम लोग लखनऊ गए थे, सरकार से बात किए थे तो सरकार ने तुरंत इस पर कहा था कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर ही बिजली दी जाएगी। इसकी घोषणा बुनकरों के प्रतिनिधियों के बीच भी की गई थी, लेकिन शासनादेश इसका नहीं आ पाया था, इसलिए बुनकरों के ऊपर बिजली का बकाया कुछ तो होने लगा था। उसी के संदर्भ में आज सर्किट हाउस में बैठक कर समस्या का समाधान किया गया। अधिशासी अभियंताओं के साथ हम लोग बैठे और बैठ के आपस में बात करें, आपस में बात करके सभी अधिशासी अभियंताओं ने और बड़े अधिकारियों ने यह तय किया, लखनऊ भी बात की, कि 143 रुपये पर किलोवाट जो चार्ज पुराना है उसी के अनुसार बुनकरों से बिजली का बिल लिया जाएगा और हम लोग कैंप लगवा कर बिजली का बिल हर बुनकर से जमा करा देंगे। ये आपस में तय हुआ है और ये प्रयास हम करेंगे जाकर लखनऊ में भी कि जल्द से जल्द शासनादेश आ जाए जिसके कारण असमंजस की स्थिति समाप्त। सच के साथ।